बिल्कुल भी ना टिक नहीं रही है सन्नी के साथ। सन्नी इसको उठने मत दियो बिल्कुल भी, ठीक है? देख बच्चों को वापस निप्पल के पास लगा दियो, ठीक है? और यहाँ पे बच्चे हो रखे एक्साइटेड क्योंकि बच्चों को खाने की आ गई है खुशबू और बच्चे खाएंगे खाना। थोड़ा बकअप करो, ज्यादा बढ़ गया ना। 21 डॉग्स रखना आसान नहीं है। क्या हुआ, मेरे को टांग दिखा रहे? टांग देखो बब्जी की। ओए मेरा बब्बा, क्या हुआ बेटा? बब्जी ना बहुत अकेला पड़ गया है, बहुत इतना शांत हो गया है एक लड़का। ओए भौंकना बंद करो, चल पापा ने बुलाया तेरे को, चल भाग चल। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और यहाँ पे हम बैठे हैं पापा के साथ, हेलो करो, शिवू के साथ, शिवू करे है, माता जी के साथ, माता जी को, माता जी को ना, माता जी को बड़ा गुस्सा छूटता है। माता जी कहती मम्मी बोलो ना। और अब आपको ठीक लगता है माता जी बोलो? नहीं, बड़ा ओल्ड फैशन है मम्मी। नहीं मम्मी ज्यादा क्यूट है ना। और यहाँ पे बैठे मोटी तोन निकाल के राहुल, राहुल ने तो कभी मम्मी कहा ही नहीं था। तो माँ कहते थे राहुल, पर मम्मी सबसे ज्यादा मुझे वो लगता है, सबसे मतलब इनोसेंट वे मम्मी होता है ना। मम्मी ना, मम्मी पता है, मम्मी ना बहुत अपने, जब अपनापन हो ना तभी निकलता है मेरे को, नहीं तो मैं आपको मम्मा बुला देती। मम्मी ना तभी निकलता है जब आपका एक्चुअली प्यार हो, क्योंकि आप क्या बोलते थे अपनी मम्मी? माता। तो अगर जैसे ये आपकी मम्मी है तो आप क्या बोलोगे? माता इधर आओ, शिवाय आओ, सपोज माता इधर आओ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, माता माता इतने। हाँ तो गाइस पंजाबी में ना माता जैसे ये कहते थे, तो ठीक है। आपकी मम्मी कितने साल हो गए पापा गए हुए? 2005 में दादी जी की डेथ हुई थी, तो काफी साल हो गए। तो गाइस फिलहाल का कुछ ये सीन है, राहुल और मैं जाएंगे दोपहर को मूवी देखने, इसलिए मम्मी पापा यहाँ पे आए हुए हैं, वो संभालेंगे बच्चों को। मूवी कौन सी जा रहे हैं राहुल बताएगा? एनिमल। तो गाइस मैं रणबीर कपूर की बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं दोनों की फैन हूँ, रणबीर सिंह की। क्या दादू की फैन बनूं? दादू की फैन बनूं? अच्छा जी, फैन बन। तो अब ना सबसे पहले ना राहुल में ऊपर जा रहे हैं, जाके ना जरा लेडी ऑली को ना बच्चों के साथ थोड़ा सेट कर देते हैं, थोड़ा दूध दूध पिला देते हैं, फिर हम जाएंगे मूवी देखने। मूवी का रिव्यू देंगे आप लोगों को। वैसे तो मुझे जहाँ तक ट्रेलर समझ आया, बच्चों को तो बिल्कुल नहीं जाना एनिमल, ठीक है? आई थिंक एक रेटेड मूवी है ना वो, ये नहीं पता, खून खराबा कह रहे हैं बहुत है ना, मुझे नहीं पता। तो आई थिंक बच्चों आप तो बिल्कुल मत जाना, और जो एडल्ट्स हैं, अगर आपने व्लॉग देखने के पहले ये मूवी देख ली होगी तो जरा कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसी लगी। फिलहाल हम लोग जाते हैं ऊपर लेडी वाली बच्चों को फीड करा के, फिर हम जाएंगे मूवी देखने, और उसके बाद आके बताते हैं मूवी कैसी। हेलो गुड्डे, बच्चों को दूध छोड़ दिया, बैठ। ये ऐसी करती है यार, ऐसे नहीं करते बेटा है। अगर बच्चे दूध पी रहे तो कैसे उठ सकती है बेटा है? हम तेरे खाते हुए तेरे से रोटी छीनते हैं? नहीं छीनते ना, तो तू क्यों बच्चों को छोड़ देती है दूध पिलाते टाइम? तेरे को हमेशा घूमने की पड़ी रहती है। अगर ऐसा ही था तो बच्चे क्यों पैदा करे, नहीं करने थे ना बेटा? बच्चे पैदा किए ना तो माँ का फर्ज तो निभाना पड़ेगा। मेरे बच्चे हैं, देखो कैसी शक्ल बना रही, देख रहे इसको, देखो कान देख खड़े हो गए हैं, कह रही फिर फंस गई बच्चों के साथ। अच्छा मेरे बच्चे लगे थे, बच्चे नहीं इधर उधर हो गए। ओला हट जा, तेरे को थोड़ी कुछ कहा है, बैठ तू, मार खाएगी मेरे से। ओए तू अंदर कहाँ घुस रहा है, ओ देखना कहाँ घुस के। ओए ओए अब तो सारे ही लग जाए शायद, है ना? ऐसी होगी पर दब जाएंगे जैसे अंगड़ाई लेगी ना वापसी। हाँ। तो दब जाएंगे बच्चे, समझती नहीं है ना ये, इसको इतनी बुद्धि होती तो बात ही क्या आती। कल बहुत अच्छे से पिलाए थे कल। हाँ। ओ देख कैसे दब गई, सो गई थी और सब आराम से, एक घंटा सोई थी आराम से। बच्चा ऐसे दब जाएगा ना, देख उसको सांस कैसे आई। चल इधर इधर हट, इधर से पी लो, फिर यहाँ से। अब वो कहाँ सो गया, कुछ कर ही नहीं रहा, वो तो कुछ कर रहा है, पी रहे है, कमजोर रह जाएगा ये, जल्दी मुंह खोल। सबसे कमजोर है ये, नहीं अच्छा तो है, उसका पेट ही भरा हुआ है, उनसे हल्का है, हैं उनसे कमजोर है, काफी कमजोर है। हाँ। लड़का है लड़की है, देखते हैं अभी जब उठेगी ना, ये बीच में भूल जाता है दूध पीना। अब देख इसको एकदम याद आया, ये चुपचाप सोए पड़े तीन, है ना? अभी देखेंगे इनको, अभी ना भी अभी मत जगाइयो, पहले ये इनका पेट भर जाए, जब ये अच्छे से तृप्त हो जाएंगे ना 20-25 मिनट बाद, फिर ही उठाइयो इनको। अब इसको कहाँ लगाऊं, अपने बच्चों को ही पालो, इनको ही पालो, क्यों सन्नी? सन्नी तू तो बड़ा सा है, तेरे बच्चे है? नहीं नहीं है ना, बस क्यों रहा है फिर, हमने करना है ना, हमारे तो दो तरफ है ना, ये भी है वो भी है। मैं जैसे ही सन्नी उठूंगी ना तू फटाफट यहाँ के बैठ जाइयो, नहीं तो ना ये भाग जाएगी, ये ना फिर आंख में बैठ के भाग लेंगे, ठीक है? चल मैं जा रही हूँ,
मेरे को ना शिवाय को भी खाना खिलाना। गाइस मैंने थोड़ी देर टाइम स्पेंड किया अभी फिलहाल ओला और उसके बच्चों के साथ। अब हम लोग जाएंगे मूवी देखने और उसके बाद आके मैं इनसे फिर से मिलती हूँ। और देख उठ गई ना, उठने की कोशिश कर रही है ना, तो गाइस फिर से ओला ने ना उठने की कोशिश की। इसको है कि मैं उसके साथ बैठूँ, उसको ना एज अ वुमन ना एक वुमन चाहिए, तो बिल्कुल भी ना टिक नहीं रही है सन्नी के साथ। सन्नी इसको उठने मत दियो बिल्कुल भी, ठीक है। देख बच्चे को वापस निप्पल के पास लगा दियो, ठीक है। इसको ना बिल्कुल मत उठने दियो, ज्यादा शैतान बन रही है, ठीक है। तो गाइस शाम के बज गए हैं 7:30, 8, हम लोग आ गए मूवी देख के एनिमल। रिव्यू मैं आपको थोड़ी देर में दूंगी, उससे पहले ये देख लो पूरा का पूरा रॉयल कैनिन का भरा हुआ ये आ गया है यहाँ पे। तो भैया कितनी देर सोक करके रखते हो आप इसको? 6 days है मैम। तो 1 घंटा कम से कम ये सोक करके रखा है ताकि ये सॉफ्ट से सॉफ्ट हो जाए, ताकि बच्चे ना आराम से खा पाए। बच्चों तुम क्या करने आए हो? शिवाय तूने तो जे रोड पे जा रहा है, गाइस देखना है कितना शैतान हो गया। जे अंदर चल, किससे पूछ के आया बाहर? मैं किचन में चला गया। शिवाय शूज जब तक नहीं पहनेगा ना बाहर नहीं आएगा, तू समझ में आई? और यहाँ पे बच्चे हो रखे एक्साइटेड क्योंकि बच्चों को खाने की आ गई है खुशबू और बच्चे खाएंगे खाना। तो पता नहीं अरुण भैया कह रहे किसी बच्चे को छोड़ के देखते। ओए गाड़ी आ रही है, ओए यार ये बच्चे नहीं मानते, कोई जाएंगे खाना देख के। मैंने खोला मुझे लगा खाना खा देख के आ जाएंगे, पर ये तो बच्चे तो ये ओए अपने आप आएंगे, अपने आप आएंगे खाना देख के। चलो खाना चलो चल अंदर चल। कैसे खबरदार बदतमीज बच्चे हैं ये, 4 बर्तन ही करने पड़ेंगे अब इवेंचुअली हमें, है ना। एक बर्तन मेरे पास पड़ा ऊपर, हाँ ताकि चारों ना अपना खा सके। हाँ देखना कैसे गप 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 सारे भाग गए थे, खाना देख के सारे अंदर हो गए हैं, है ना। सबको खाने की पता आज की डेट में, बच्चों को तो स्पेशली। किसका? ये तो लड़का है ना चार्ली, इसको लेने के लिए एक कोई आ रहा है आनंद पर्वत से ना, हाँ वो भी आ रहे 10 तारीख से। हाँ है, और किसी को साथ में खाना नहीं देता है। किसको? अकेला खाना मांगता है। रोशनी है ना वो, तो ये दामिनी आ गई यहाँ पे, धीरे खाएगा। हाँ अकेला खाएगा, सबका नेचर होता है ना भैया, कोई कहता है मैं एक प्लेट में खाने को तैयार हूँ, कोई कहता है मैं अलग से खाऊंगा। तो अभी से देख लो कितना एटीट्यूड है। लूना में बिल्कुल एटीट्यूड नहीं है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे कैसे भी खिला दो। चार्ली और रोशनी को अलग अलग खाना होता है। और चमेली यहाँ पे ना सुकून से देख रही है, सुकून से कि मेरे बच्चे खाना खा रहे हैं, है ना, है ना चमेली, क्या बात है तेरे को, क्या हुआ है? हाँ तो गाइस चमेली बच्चे होने के बाद ना एकदम इसने अपना वेट उतार दिया, क्योंकि सारा दिन बच्चे इसी का दूध पीते थे, अब ना फिर से ही वापस थोड़ा इसका वेट गेन हो गया है। तो गाइस कमेंट सेक्शन में मुझे आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना है, क्या हम चमेली का, चमेली क्योंकि एक इंडी स्ट्रे डॉग है, क्या आपको लगता है कि हम उसकी ठीक से देखभाल कर रहे हैं? आपको उसकी हेल्थ ठीक लग रही है? उसके शरीर पे ना एक भी देखो हड्डी नजर नहीं आ रही, सिर्फ फैट ही फैट नजर आ रहा है। तो हम चाहते हैं कि आप हमें थोड़ा सा बताएं कि क्या हम लोग सही चल रहे हैं, क्या चमेली एक अच्छा डॉग निकल के आ रही है। ओ माय गॉड ये बच्चे फिर लड़ पड़े आपस में, क्यों लड़ रहे हो? लूना को खाने ही नहीं देते, इसका बटन में ये जाके खाया था। लूना ने खा लिया? लूना की देखो जीभ लबलबा रही है, क्या बाहर जाने का धंधा है। हां चलो खा लो, उसको ज्यादा मिल गया चार्ली को, छोड़ रहा है देखो। नहीं इनको ना चारों को अब अपना अपना देंगे। वो देखो चार्ली ना प्यार कर रहा है अरुण भैया को, कह रहा है थैंक यू आपने ना मुझे खाना खिलाया, है ना। ये दाबी नहीं है। नहीं वो चार्ली है भैया। हाँ लड़का है ना वो। हाँ तो अरुण भैया को पूरा पूरा प्यार मिल रहा है चार्ली से कि आपने खाना खिलाया। वो बाहर चले गई है लूना। लूना लूना बेटा अभी नहीं जाना रोड पे, चलो अंदर। चमेली छोड़ दे उसको, मेरे को पकड़ने दे उसको। लूना इतना मारूंगी ना तेरे को बेटा, किसी गाड़ी के नीचे आ जाएगी। और चमेली ना उसको और ज्यादा ना वो दे रही है अश्योरेंस की, तू घूम मैं तेरे पीछे पीछे हूँ, है ना। चमेली अभी बच्चे बहुत छोटे, बेटा रोड पे नहीं जाना, कोई गाड़ी आएगी टकरा जाओगे, ठीक है ना। चलो अंदर। तो गाइस शाम का टाइम है, हम आ गए मूवी देख के, आपको बताया ही था। यहाँ पे देखो ना बब्जी कैसे पड़ा हुआ अंधेरे में, क्या हुआ मेरे को टांग दिखा रहे, टांग देखो बब्जी की। ओए मेरा बब्बा का हुआ बेटा, बब्जी ना बहुत अकेला पड़ गया है, बहुत इतना शांत हो गया है ना लड़का। बैठ जा, क्या कर रहा है बब्बे? कुछ नहीं वहां। जोई भौंकना बंद कर और चल, पापा ने बुलाया तेरे को, चल भाग चल। तो गाइस मैं जोई को लेके जा रही हूँ नीचे, क्योंकि ना शाम का टाइम हो गया तो ये ना नीचे ही रहेगी, ठीक है ना। ये ऊपर ही तो भौंकती है, फिर ना पड़ोसी ना ऑफेंड होते हैं, तो इसको हम ले जोई, तो इसको हम ना लेके जा रहे हैं।
नीचे। वैसे तो किसी ने अभी तक कभी कुछ कहा नहीं, लेकिन यार हम भी तो एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एज पेट पेरेंट्स, हमें भी ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे आसपास लोग रहते हैं, उन्हें हमारे पेट्स की वजह से ना डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। चल जोई, बिल्कुल चल, लहराती हुई जा। इसका भी ना पीछे का एरिया भारी है ना, फिर फीमेल्स को होता होगा शायद भारी है, इसका भी ना मेरी वाली की तरह बाहर नहीं जाना, घूमने वाला घूमने के चस्के हैं। चलो चलो। तो गाइज हम लोग जिम करने आए थे और आज ना बॉडी कह रही है बेटा बुड्ढे हो गए हो, क्यों राहुल? सही है ना, ये तो मैंने जबरदस्ती राहुल को बोला चलो थोड़ी देर, चलो चलो चलो। यार राहुल तुम काले काले भी लग रहे हो आज, क्या बात है? काले गोरे से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं काले एज इन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कलर, अबाउट डलनेस। डल तो मत, थोड़ा बकअप करो, ज्यादा बढ़ गया ना। 21 डॉग्स रखना आसान नहीं यार। तो गाइस ये एक अपील है अगेन, ठीक है? तो हमारी दो जगह बात चल रही है, एक रोशनी और चार्ली की। दामिनी और लूना को अडॉप्ट करने के लिए दिल्ली NCR से नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए और प्लीज आइए हमसे मिलिए और आप लेके जाइए बच्चे। अब आज हो गए हैं 50 days, तो बच्चे हो गए हैं आज 50 days के और बहुत अच्छा घर आप उनको दें। आप बच्चे देख रहे हैं कितने हेल्दी हैं, रॉयल कैनिन पे पल रहे हैं, तो आप आइए उनको एक अच्छा घर दीजिए। अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं तो मिल भी लीजिए एंड प्लीज हरी अप, जो भी पहले आएगा हम उसको अडॉप्ट करा देंगे, बचे हुए दामिनी और लूना। देखो बहुत अच्छे बच्चे हैं, ऐसा नहीं है हम नहीं कर सकते या नहीं कर पा, हम कोशिश पूरी कर रहे हैं, लेकिन ना अब ना हाई टाइम है बच्चों को घर मिल जाए। बच्चों को घर मिलना चाहिए, जो केयर एक इंडिविजुअल पेरेंट एक इंडिविजुअल पपी की कर पाएगा वो केयर हम 21 बच्चों की नहीं कर पाएंगे। तो धीरे 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 ये स्टेप लेना जरूरी हो गया है, ठीक है? हमें खाना हमने पहले से भी डिसाइड किया हुआ था, खाना प्रोवाइड करना इज नॉट अ प्रॉब्लम, शेल्टर प्रोवाइड करना इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट अब ना अब उनको भी ना वो बड़े हो रहे हैं, उनकी नीड्स भी बढ़ रही हैं, अब वो ना केज से बाहर भागते हैं, केज से बाहर भागते हैं, हम उनको और केज नहीं कर पाएंगे। तो और चार पपीज को फिर चमेली फिर लेडी ऑली बब्जी जोई उनके बच्चे आ गए, मैं इतने लोगों को हैंडल नहीं कर सकती, मेरे अपने भी दो बच्चे हैं। तो थोड़ा मैं अपील करती हूँ, थोड़ी इंसानियत जगाते हैं और इन चार बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, ठीक है ना? तो प्लीज नीचे दिए गए नंबर पे अगर आप कॉन्टेक्ट करते हैं तो हम आज भी आपसे मिल सकते हैं और इस अडॉप्शन को आगे बढ़ाते हैं। सिर्फ दिल्ली NCR के लोग ही हमें कॉल करें फॉर दामिनी एंड लूना। तो गाइज यहाँ पे ना राहुल और मैं ना जिम करने के बाद ना थोड़ा नारियल पानी पीने आए हैं, तो मुझे नहीं पता राहुल आज इतना रोमांटिक और इतना केयरिंग कैसे हो गया एकदम, क्या हो गया आज तुम्हें? मैंने कहा यार सब करते हैं, हम भी करके देखें, हम भी करके देखें, कपल की तरह जी के देखें, नहीं तो हम सिर्फ ना पेरेंट्स बन के रह गए हैं ना राहुल। और गाइस काफी बंद ही कर लो गाड़ी, इंजन भी क्यों ऑन है, गर्म होने दे। तो गाइस बेसिकली ना एनिमल देखने के बाद ना मेरा थोड़ा पर्सपेक्टिव भी चेंज हो गया लाइफ का, मतलब मैं मेरे को ना वहां पर क्या पढ़ रहे थे राहुल, मैं ना वहां पर अपने पैर ना जोर जोर से जमीन पर मार रही थी, मतलब भाई बहुत बहुत वायलेंस है यार मूवी में, मतलब गैंग्स ऑफ वासेपुर KGF इसमें तो कुछ भी नहीं दिखाया। तुमने पी भी लिया? तुम बड़े फास्ट हो यार राहुल, ज़्यादा क्या करूँ, अब मेरे तो देखना कहाँ तक गया सिर्फ अभी यार, तुम बड़े तेज हो। तो गाइस एनिमल का रिव्यू राहुल तो कह रहे हैं मैं फिर से जाऊंगा देखने, मुझे अच्छी लगी, अच्छी लगी तुम्हें? तो मेरे को ऐसे लगता है लड़कियों का दिल ना इतना पक्का नहीं होता, तो शायद मेरे को अच्छी लगी नो डाउट, मतलब पूरी मूवी में आई वाज ऑलमोस्ट लाइक स्टक टू माय सीट कि अब क्या होगा अब क्या होगा अब क्या होगा। आपको पता होना कुछ नहीं अल्टीमेटली लड़ाई झगड़े और खून बहना है, लेकिन ना मतलब मेरा ना दिल ना कांप सा उठा उसके बाद ना, मेरे को लाइफ अपनी लाइफ की अपने बच्चों की अपने पापा की सबकी इतनी टेंशन हो गई तुम्हें, और ना मैं रोई भी बहुत पूरी मूवी में, तो मतलब थोड़ी ट्रॉमेटाइजिंग मूवी है, मुझे अच्छी लगी। तो यार लड़कों को तो अच्छा ही लगता है, तो इनको तो सपने भी यही आते हैं कि ना ये चार पांच लड़कों से अकेले लड़ रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, तो लड़कों की आई थिंक लड़कों का एड्रेनलिन रश होता है इन चीजों में, बट मेरे लिए बहुत ट्रॉमेटाइजिंग थी वो मूवी, तो आई थिंक उसका इफेक्ट ना मेरे को घर आके मैंने ना मतलब मुझे लिटरली वॉमिटिंग तक आई है, मेरा वो हाल हो गया था। तो जिन जिन लोगों ने देख लिया ऑलरेडी एनिमल, बच्चे तो प्लीज अवॉइड करना, अभी आप लोग ना बड़े इनोसेंट होते हो तो बहुत ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंस रहेगा,
लेकिन जो मतलब 18 प्लस है जिन्होंने देख लिया, जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका क्या रिव्यू है एनिमल का। गाइस सुबह सुबह हम कहते हैं हम बहुत कुछ करते हैं एनिमल्स के लिए, लोग भी करते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं रोड पे ना सुबह सुबह लोग एनिमल्स को, यहाँ पे मंकीज को केले खिला रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। तो थैंक यू राहुल तुम मेरे को लेकर आए, मैं ये नारियल खानी खत्म कर लेती हूँ, हमने दूध भी लेना है। तो गाइस यहाँ पे ना जोई ना जिद पकड़ के बैठ गए कि ना पापा मुझे ना प्यार करो, राहुल ने ना कहा कि नहीं अभी मैं नहीं कर रहा, तू ऊपर तो जबरदस्ती ना ऊपर चढ़ रही है, और सर भी ऐसे से ना 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 कर रही थी कि नहीं मैं नहीं जा रही, मुझे प्यार चाहिए, नहीं ऊपर नहीं मेरे बाबू हट यहाँ से, इधर इधर प्यार की, इसको ना फैमिली में बैठना है राहुल, इसको तुम पार्क ले जाते फिर गंदी होती है, फिर इसका अंदर आना बंद करा देती हूँ मैं, डिजर्व ही ऐसे बैठना करती है। ओए होए 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 प्यार की भूखी, सिर्फ मुंह काला काला रह गया राहुल, शरीर तो इसका बदल गया रंग है ना, पहले आगे इधर इस तरफ के बाल भी ना काले होते थे, और पीछे के भी काला कोट हटता जा रहा है अब इसका, काला कोट ज्यादा आ रहा है। नहीं राहुल पीछे देखो कलर पूरा थोड़ा मतलब टैन व्हाइट और थोड़ा मिक्स आ रहा है, इवन जो ये आगे का एरिया है ना गाइस, अगर याद हो तो मैं छोटी वीडियो की देखती हूँ, अगर इसकी मिल जाती है, मिलेगी ऑफकोर्स, बहुत वीडियो है इसके छोटे की, ये तो आपके सामने ही बड़ी हुई है गाइस। ये देखना छोटा शेर लेटा हुआ है, ये सो रही हो ना, तो कोई सोच नहीं सकता कि कोई डॉग सो रहा है, लोग कहेंगे कोई स्टफ टॉय सोया पड़ा है ना गुल्लू सा। ओए छोटा सोई, ओए 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 देखना कहाँ बढ़ गई है, थोड़ी तो क्रैक हेड है ये, है ना। इसका बस चलना ही बोलने भी लग जाए, थप्पड़ मारूंगा मुंह पे तुम्हारे, नी क्या फाड़ रही है राहुल, पागल है क्या, थोड़ी सी तो है ये क्रैक हो। चलो राहुल की खांसी का इस ज्यादा बढ़ती जा रही है, किसी के पास खांसी का इलाज है ना, क्यों कमेंट्स बातें करते हैं, अरे नहीं को पता नहीं कहाँ ले जाते हैं, अरे नहीं वो सब नहीं है यार, सर्दी लग गई थी मोटे को, मतलब कहते हार्ट चेकअप कराओ, नहीं नहीं कोई जिसका जो मन करता है ना सब डॉक्टर है, जैसे मेरी मम्मी डॉक्टर है ना, तुम्हारी मम्मी तो PhD है, सब डॉक्टर है, सबका एक देसी दवा खाना घर में खुला हुआ, मैं थप्पड़ मारना तेरे मुंह पे अगर तूने मेरी कैप्चर, गाइस मैं जानना चाहती हूँ कि आपके घर के बड़े भी अपना घर पर खुद का देसी दवा खाना खोल के बैठे हैं, क्योंकि मैंने अपनी सासू माँ को ना वो बुलाती हूँ डॉक्टर सुनीता, क्योंकि ना वो सारे इलाज खुद कर लेती है, लेकिन उसके बाद ना वो बीमारी इतनी ज्यादा और बुरी हो जाती है कि अल्टीमेटली उनको ना डॉक्टर के पास पैसे खर्च के जाना ही पड़ता है। तो मेरी सबसे अपील है जिन जिनके घर में देसी दवा खाना खुला हुआ है, कोई भी चाचा ताया मामा जिनसे आप ना सलाह लेते हो कि यार खांसी हो रही है बुखार हो रहा है, गोलियां खुद ही लेनी शुरू कर दो, तो मुझे जरूर बताना, आई एम श्योर हर किसी के घर में एक बंदा जरूर होगा जो देसी दवा खाने का डॉक्टर होगा तो गाइस जरूर बताना जरूर, और मेरी अपील है अगर कोई प्रॉब्लम हो ना असली डॉक्टर के पास जाओ, अपने घर के इलाज मत करो, ठीक है ना, कि यार मैं ना आज मेरा सिर दुख रहा है तो ना, चलो सिर में दुखने के लिए तो ठीक है, लेकिन टॉयलेट पतली बॉडी आ रही है तो चलो खुद का इलाज कर लो, ठीक है कुछ और हो रहा है तो फूड पॉइजनिंग तो खुद का इलाज कर लो, नहीं भैया डॉक्टर को दिखाया करो, चीजें वर्स हो जाती है। इसी के साथ ही ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं आपसे कल एक नए ब्लॉग में गाइस, और अभी भी अपील कर रही हूँ जो जो बच्चे, देखो चमेली के दो बच्चे जाने वाले हैं, दो बच्चे रह जाएंगे, जो जो चमेली के बच्चों को ड्रॉप करना चाहता है प्लीज 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 आगे बढ़ो और फटाफट से चमेली के बच्चों को एक अच्छा सा परिवार दो, नीचे एक नंबर दे दिया है ठीक है, उस पर फटाफट से कॉन्टेक्ट करो जो लोग चमेली के बच्चों को ड्रॉप करना चाहते हैं, चार में से दो हो गए हैं, दो रह गई हैं दामिनी और लूना, उनको भी आप एक अच्छा सा घर दो, हमारी आपसे बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है ठीक है, हम चाहते हैं नए साल से पहले पहले बच्चों को अपना घर मिल जाए ठीक है ना, तब तक के लिए आप मिलते हैं कल नए ब्लॉग में, आप लोग सब इंजॉय करो अपना संडे, इंजॉय करो और बस टेक केयर गाइस, बाय।